तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। ठीक है, तो अपन कहाँ पहुंच गए थे? रेडियो एक्टिविटी पहुंच गए थे। कहाँ? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी में हमने देख लिया था कि डिस्कवरी किसने करी थी, प्रोग्रेस किसने करी थी, एंड फिर उसके बाद में हमने उसका स्टैटिस्टिकल लॉ समझ लिया था कि यार रेडियो एक्टिविटी का स्टैटिस्टिकल लॉ क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने उसके ग्राफ देख लिए थे, फिर हमने देख लिया था हाफ लाइफ क्या होती है, फिर हमने देख लिया था मीन लाइफ क्या होती है। अच्छा, मीन लाइफ की वैल्यू कितनी आ गई थी बताइए? 1/λ आ गई थी। और हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2/λ। दोनों में से ज्यादा कौन है? मीन लाइफ है ना। ln2 की वैल्यू अगर देखें 0.693 होता है, तो हाफ लाइफ इज स्मॉलर एंड मीन लाइफ इज ग्रेटर। फिर उसके बाद में एक हमने देखा था एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी समझा था। तो एक्टिविटी क्या समझ में आ गया था कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वुड बी एक्टिविटी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? लैम्डा इनटू एन की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब मुझे पता है एन का ग्राफ जो बनता है वो एक्सपोनेंशियल डिके का बनता है, तो उसी प्रकार से मैं एक्टिविटी का ग्राफ बनाऊं तो वो भी क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बन जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं इससे फर्दर आगे। तो आपने शायद सुना भी हो कि जो अगला सवाल होगा उसके बेसिस पर आप डायनासोर्स की जो है एज का रफ आइडिया लगा सकते हैं ना, डायनासोर की रफ एज का रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो पहला ये सवाल करेंगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे इस तरह से एज का पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखें, एलिमेंट एक्स इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एलिमेंट एक्स इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हाँ, मुझे आवाज आ रहा है, किसका है? एलिमेंट एक्स इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इट्स एंड प्रोडक्ट इज वाई, एंड इट्स एंड प्रोडक्ट इज वाई। इट्स एंड प्रोडक्ट इज वाई। इफ इन अ रॉक, इफ In a rock, Y should not be present. If in a rock, Y should not be present. Y should not be present. Y should not be present at the time of formation of rock, but when the rock sample is tested, it has X and Y in the ratio of 1:7. It has X and Y in the ratio of 1:7. Half-life of X is 250 years. Then find age of rock. कितना पाया जाएगा? पहले आप सोचिए एंड फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। रेशियो मास बेसिस पे, मोल बेसिस पे, कौन सा रेशियो है? मास बेसिस पर होगा और मोल बेसिस पर होगा, तो क्या डिफरेंस आएगा? तो फिर एलिमेंट का एटॉमिक मास देना, मोल बेसिस पर, मोल ना। Thank you.
कितना? किसी ने आंसर दिया अभी? 150 पर आओ। 150? नो। 750 करेक्ट। देखो क्या है कि अपने को कौन था, पहले तो x था और y में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने बोला ये x है और y में कन्वर्ट हो रहा है, एंड प्रोडक्ट y है, कुछ हो रहा होगा मुझे नहीं पता बीच में क्या क्या हो रहा है। फिर क्या दिया कि शुरू में बिगिनिंग में यानी कि t इक्वल्स टू जीरो पर देखा गया कि सब कुछ इसका ही होना चाहिए था और इसके जीरो पार्टिकल्स होने चाहिए थे है ना, बिगिनिंग बिगिनिंग में ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर n नॉट है या जितने भी पार्टिकल्स हैं, और शुरू में y का कोई भी कंपोनेंट नहीं था। सवाल में दे रखा है कि जब हमारा रॉक फॉर्म हुआ तो y अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं किसी जनरल टाइम t पर, तो हमें दिया गया है कि यहाँ पर रेशो है 1:7। इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से कुछ टुकड़े इधर गए होंगे और जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो हमें दे दिया गया है 1:7। तो शुरू में अगर n नॉट था तो अभी बचा कितना होगा, n नॉट बाय 8 और यहाँ कितना पहुंच गया होगा 7 n नॉट बाय 8। सर ये कैसे आया, हमें रेशियो दिया गया था 1:7 का, ये रेशियो था 1:7 का रेशियो दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि n नॉट पार्टिकल ही इधर जाने वाले थे, और अगर n नॉट पार्टिकल ही इधर जाने वाले थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो सम बनेगा इन दोनों का मिला के वो n नॉट होना चाहिए था, यानी कि n नॉट में से 7 रेशियो तो इसके पास चला गया और n नॉट में से 1 रेशियो इसके पास चला गया, तो मैंने क्या किया n नॉट को 1:7 में डिवाइड कर दिया। तो इनफैक्ट इसको आप बड़े स्टाइल से लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है n नॉट अपॉन 2^3, n नॉट अपॉन 2^3, दैट मींस कितने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं, दैट मींस नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 half-life। इसका मतलब जो टाइम गुजर चुका है, एज ऑफ रॉक अगर लिखा जाए, एज ऑफ रॉक वो हो जाएगा 3 t half-life, यानी कि 3 और t हाफ लाइफ कितना है, दैट इज 250 years, तो दिस इज इक्वल टू 750 years, तो ये बन जाएगा अपने पास एज ऑफ रॉक। इज दैट क्लियर नाउ? अरे बोल दो भाई। ठीक है, अब अगली चीज अपन देखते हैं इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट अभी क्या होता है कि अपने पास कि कार्बन डेटिंग की बात करते हैं ना, कार्बन डेटिंग, और इस पर सवाल आपको मैं एक मॉड्यूल एक पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं फंडा बता देता हूं, पहले आप सवाल खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर नहीं बनता है तो फिर अपन डिस्कस करेंगे, और उसका फंडा बिल्कुल वही था जो रॉक वाला था। देखो क्या होता है कि जैसे अपन जिंदा है अभी है ना, तो अपने बॉडी में जो है C12 और C14 का कुछ परसेंटेज मेंटेन रहता है ना, और C14 जो होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है ये, रेडियो एक्टिव। तो ये क्या चाहता है कि ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाए, तो ये C12 में कन्वर्ट होता जाता है ना, ये जो है C14 जो है डिके करता जाता है, तो ये डिके करता जाता है। तो अभी जैसे अपन तो जिंदा है, तो अपने पास मान लो कोई अगर डिके हो भी गया तो अपने एनवायरमेंट से अपन जितना चाहिए अपनी बॉडी में वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी में जितना परसेंटेज चाहिए उतना अपन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बट वंस वी डाई, मतलब अपन तो छोड़ो डायनासोर की बात कर ले, बट वंस द डायनासोर डाई व्हाट हैपेंस कि उनकी बॉडी में जो C14 डिके हो रहा था वो तो होना है, क्योंकि C14 का डिके यानी कि रेडियो एक्टिव डिके किसी और चीज पर डिपेंड तो नहीं करता। लेकिन अब सिंस वो जिंदा नहीं है, तो वो जो वापस रिसाइकल हो रहा था कि भाई मान लो अपना कुछ कम हुआ तो एनवायरमेंट से उसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो वो चीज इसकी हो जाएगी बंद, वो चीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब C14 का कंटेंट अब क्या हो जाने वाला है, कम होता हुआ दिखेगा।
है ना, C14 कार्बन 14 का जो अब कंटेंट है वो धीरे 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 कम होता दिखेगा। तो अब मेरे को मान लो कि शुरू में मेरे पास इसी कंसंट्रेशन कुछ N0 होनी चाहिए थी, और मैंने देखा कुछ सालों बाद जब अब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो इसके पास में N0/4 आ गया। इसका मतलब कितना टाइम गुजर चुका है, 2.5 लाइफ गुजर चुकी है। मरने के बाद में जब मैं फॉसिल को चेक कर रहा हूं, तो फॉसिल को चेक किया तो मेरे पास इस प्रकार से इसका परसेंटेज मिला, ये इतना रेशियो मिला, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2.5 लाइफ गुजर चुकी हैं। इसका मतलब इस फॉसिल को 2.5 लाइफ हो चुकी है मरे हुए। इसका मतलब हम इस तरीके से एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसके आसपास ये फॉसिल बना होगा। तो दैट इज वन वे टू फाइंड आउट कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है। तो कभी आपने सुना होगा कि ये फॉसिल 1 लाख साल पुराना है, 2 लाख साल पुराना है। तो अब आपको आइडिया लग चुका है कि हाँ भाई ये फॉसिल की जो टाइम है वो कैसे पता लगता है। फॉसिल पे ऐसे डेट थोड़ी लिखाई होती है कि एक्सपायरी डेट ऐसा वैसा है ना। तो फॉसिल की जो है हम इस प्रकार से कुछ एनालिसिस करेंगे और उससे उसका रफ एस्टिमेट पता लग जाता है कि भाई इस टाइम के आसपास ये रहा होगा। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब कार्बन डेटिंग के बारे में हमने बात कर ली। इसके सवाल आप उस पीडीएफ में जरूर देखेंगे, और फिर अगर नहीं होता है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं। लिखें, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए, a radioactive element A with constant rate, R nucleus per second. फिर से बोलो। A constant rate, a factory produces a radioactive element A, with constant rate R nucleus per second, now A decays with decay constant lambda then find number of nuclei of A at time t, number of nuclei of B at time t, assuming production of B starts at t equals to 0. Production of B starts at t equals to 0.
सवाल समझ में आया? ये था हमारे पास ए, ये कन्वर्ट होता है बी में, रेडियो एक्टिव डिके करता है, बी में चला जाता है, और यहाँ पर हमारी थी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर ए को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, ना तो इसके पास कुछ होगा ना इसके पास कुछ होगा, और फिर अभी टी इक्वल्स टू टी पर हमें देखना है ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स कितने हैं। डन? बोलो, इतना टाइम नहीं लगता है। Anyone, anyone? अरे सो तो नहीं गए? नहीं नहीं तो बताओ। चलो कुछ बताओ, क्या करें क्या ना करें, छोड़ो आंसर मत बताओ, कोई प्रोसीजर बताएं क्या करें। एनीवन? अरे ऐसे मत करो भाई, इतने में तो बता देना चाहिए था क्या करें क्या ना करें, आंसर ही बता देते अब तक तो। बोलो बोलो बच्चा बोलो। सर वो इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये लिखी, आंसर बोलो क्या? आंसर नहीं, पहले प्रोसीजर बताओ क्या किया आपने। ये डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ये लैम्डा आर टी, मतलब लैम्डा आर टी। नहीं गड़बड़ हो गई यहाँ। देखो क्या हुआ कि मैं मान लेता हूँ किसी टाइम पर इस पे n पार्टिकल्स थे, मैंने मान लिया यहाँ पर n पार्टिकल्स थे, मान सकते हैं कुछ होंगे है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डी एन बाई डी टी लिखता हूँ, डी एन बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ n,
और ये किस पर डिपेंड करेगा, मुझे पता है कि इस तरफ आ रहा था, कितना आ रहा था, आर रेट से आ रहा था, और यहां से जा रहा था, किस रेट से जा रहा था, वो तो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लैम्डा इंटू एन पर। तो यहां से लैम्डा इंटू एन से ये जा रहा था, तो नेट अगर मैं लिखूं आर से तो आया और लैम्डा इंटू एन से गया, तो नेट रेट अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। बोलो चमक रहा है क्या? dn by dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ n वो किस पर डिपेंड करेगा, r से तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड आ रहे थे और लैम्डा इंटू एन से यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड जा रहे थे। सर ये कहां से आया, ये हमने कल समझा था ना, dn by dt equals to minus lambda n, ठीक है। तो ये फंडा, ये r का कहां से आ गया, ये r हमें प्रोडक्शन दे रही है कंपनी बाहर से, इतना क्लियर? अरे अपना माइक ऑफ करके बैठा, ऑन करके बैठा। तो आर माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू व्हाट, डीटी, मैंने इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपने को एक ही काम करना है, बोलो क्या, इंटीग्रेशन, ऐसे सांप बना दिए मैंने। फिर मैंने को क्या करना है, एलएन हो जाएगा ये, तो एलएन के अंदर में क्या मसाला लिखूं बताओ, आर माइनस लैम्डा एन, आर माइनस लैम्डा एन डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। यहाँ पर शुरू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे कितने थे, जीरो थे, और किसी टाइम टी पर मैंने मान लिया कितना है, एन है, इज इक्वल टू व्हाट, टी, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी तक। तो माइनस लैम्डा को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये आ गया एल एन ऑफ आर माइनस लैम्डा एन, ये तो अपर लिमिट रखा, माइनस एल एन ऑफ आर ये लोअर लिमिट रखा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। हाँ, तो यहां से आ गया एल एन ऑफ आर माइनस लैम्डा एन अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, यानी कि आर माइनस लैम्डा एन अपॉन आर इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, तो इधर आ गया आर माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू आर ई पावर माइनस लैम्डा टी, हेंस यहां से लैम्डा इंटू एन बना है आर वन माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, है ना, इसको इधर उधर कर दिया बस। तो यहां से एन आया आर बाय लैम्डा वन माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये तो एक का काम आ गया, किसका आ गया, एक आ गया, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो, है ना, बस ये लिख दिया तो उसके बाद तो मैथ्स है ना, यहाँ तक फिजिक्स थी, इसके बाद मैथ्स है, तो हाँ इसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं बी की, तो अब बी के लिए क्या किया जाए, डीएन रेट से आ रहा सर, बी क्या हो जाएगा, हाँ बी 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 बोलो एनीवन, लैम्डा इनटू एन कर दें तो बी आ जाएगा, नहीं नहीं देखो क्या हुआ कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं इधर से आए, मान लो कि यहां पर किसी टी टाइम पर अगर मान लो ए डीके नहीं कर रहा होता, ए ऐसा का ऐसा रह रहा होता, तो मैं बोल सकता हूं एक सेकंड में आर आता है तो टी सेकंड में कितना आएगा, आर इंटू टी पार्टिकल्स यहां बन चुके होंगे। अब मुझे पता है आर इंटू टी पार्टिकल्स बचे बने, तो अब ये तो पता है कि भाई डीके कर रहा है, तो डीके कर रहा है तो कुछ यहां पर एन बच गए, तो इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास जो जाएंगे टोटल में से बचे हुए यहां पर हैं, तो मरे हुए क्या होंगे, टोटल माइनस बचा हुआ, बात समझ में आई क्या, बोलो माइनस एन, हाँ कि भाई टोटल हमारे पास आर टी थे, होने चाहिए थे, बच गए हैं एन, तो मर कितने गए, आर टी माइनस एन मर गए, तो जो कि बी के पास पहुंच गए। तो मैं अगर बात करता हूं बी के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, तो दैट कैन बी रिटन एज, दैट कैन बी रिटन एज आर टी माइनस एन, तो दैट इज इक्वल टू आर टी माइनस एन की वैल्यू इधर से डाली देंगे अपन, है ना, ये इधर से यहाँ पे डाल देंगे, तो दैट वुड बी दी फाइनल आंसर। तो अपने पास बी के पार्टिकल्स भी आ चुके हैं, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, नहीं सर, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े, यस सर, एक मिनट सर, अपना टाइम टेबल बना लो,
अभी अपना ये ऐसा नहीं है, लॉकडाउन को टाइम पास की तरह ले रहे हो, टाइम टेबल बना दो प्लीज। बाद में दिक्कत होगी, फिर बाद में बड़ी परेशानी होगी, खासकर जब बोर्ड्स आ जाएंगे अपने अगली बार, ये जनवरी के आसपास जब बोर्ड्स हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में अपना जेई मेन भी बोर्ड्स भी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से तैयार होके रहें, चैंपियन बने, कंट्रोल में रखें, काबू में रखें चीजें, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक मिनट सर। 1 मिनट तो लो, 1 मिनट। गया लिखें, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए डिकेज इनटू एलिमेंट बी एंड सी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए डिकेज इनटू एलिमेंट बी एंड सी साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली थ्रू अ डिके कांस्टेंट। थ्रू अ डिके कॉन्स्टेंट λ1 एंड λ2, λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली। λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाफ लाइफ, फाइंड द हाफ लाइफ एंड डिके कॉन्स्टेंट फॉर एलिमेंट ए। ये एलिमेंट ए है, ये क्या बोलता है, फाइंड द हाफ लाइफ एंड डिके कॉन्स्टेंट फॉर एलिमेंट ए। तो ये क्या बोलता है, ए एलिमेंट जो था ये बी में भी गया और ये सी में भी गया, इसका डिके कॉन्स्टेंट λ1 बोला गया, इसका डिके कॉन्स्टेंट λ2 बोला गया। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई ए जो है इसका हाफ लाइफ या इसका डिके कांस्टेंट कितना बना हुआ है, λ1 + λ2 λ1 + λ2। हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ln2 ln टू / बाय λ1 + λ2। इनफैक्ट ये सब चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ही पढ़ा है क्या, हाँ है ना, कि भाई दो प्रोसेसेस हो रही हैं और उसके लिए ऐसा कुछ किया था। तो इस बिल्कुल सेम सिनेरियो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यार मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये एन पार्टिकल्स थे, तो मैं बोल सकता हूं कि डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी यानी कि मतलब डी एन बाई डी टी अगर लिखा जाए तो वो क्या बोलेगा कि अपने पास अगर बी होता, उसका डीके कॉन्स्टेंट λ1 है, तो मैं क्या बोलता, -λ1 इंटू एन। लेकिन यहां पर क्या है, डीके कांस्टेंट λ2 भी है, तो ये क्या लिखा जाएगा, -λ2 इंटू एन भी लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये नेट इफेक्टिवली कितना आ गया, -λ1 + λ2 इंटू एन, ये कौन है, dN/dt, dN/dt इस प्रकार से बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि dN/dt इज -λ इफेक्टिव इनटू एन बन चुका है। तो λ इफेक्टिव जो बना दैट इज λ1 + λ2, और अगर मैं लिखना चाहूं टी हाफ तो वो बन चुका है ln2 अपॉन λ1 + λ2। इफेक्टिव इतना ही था ना, λ1 + λ2। अच्छा अब एक और बात सुनो कि मैं क्या बोलता हूं, इसकी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन ए से बी, मतलब ए की हाफ लाइफ बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये ए की हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन ए से बी तक मैंने बोला T1 है। इसी प्रकार से हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन ए से सी तक जो बोला उसे मैंने T2 कह दिया। T2 क्या लिख सकते हैं, ln2 अपॉन λ2,
इसी प्रकार से टी वन क्या लिख सकते हैं, एल एन टू अपॉन लैम्डा वन। तो अगर मैं यहां पर लैम्डा वन और लैम्डा टी को टी वन और टी टू के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, एल एन टू, लैम्डा वन कितना आ गया एल एन टू अपॉन टी वन, लैम्डा टू कितना आ गया एल एन टू अपॉन टी टू। तो अपने पास क्या आ गया, ये बन चुका है एल एन टू से तो खत्म हो गया और ये आ चुका है टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, टी हाफ लाइफ जो इफेक्टिवली बन रहा है। इज दैट क्लियर? जोर से बोलो। यस सर। जय माता दी। ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ठीक है, एक मिनट। सुयश धीरे धीरे बोलेंगे। मतलब ऐसा, मेरे को मराठी आती है भाई, ऐसा कोई लोड नहीं है। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। ना ऐसा मराठी का कोई लोड नहीं है, मुझे आती तो है लेकिन क्या है, पढ़ा रहा है मैंने हमेशा हिंदी में, तो वो मराठी के टर्म्स नहीं आएंगे मेरे पास में, मैं अटक जाऊंगा कहीं। डन 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 डन। यस सर। हां सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Half life of radioactive substance, half life of a radioactive substance, half life for a radioactive substance are 1620 years, 1620 years, 1620 years and 405 years, 405 years, 405 years for alpha and beta, for alpha and beta emissions respectively. सर आपका इको आ रहा। ये एक मिनट रुको, किसी का माइक ऑन है। For alpha and beta emissions respectively. ऋषिकेश तुम्हारा माइक ऑफ करो। हाँ, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर 1620 ईयर्स एंड 405 ईयर्स फॉर अल्फा एंड बीटा डीके रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल, 3/4 ऑफ द सैंपल विल डीके, 3/4 of the sample will decay, 3/4 of the sample will decay if alpha and beta emissions are, if alpha and beta emissions are occurring simultaneously, alpha and beta emissions are occurring simultaneously.
बोलिए जनाब, कितना आ गया, कितना आ गया? 48 years. क्या किया आपने? पहले तो टी हाफ निकाला ना, मतलब 1/t ½ = 1/t1 + 1/t2 से, और 3/4 यानी 2t ½ ना. हाँ करेक्ट. तो यहाँ से अपने पास टी इफेक्टिव जो बनेगा, टी हाफ इफेक्टिव, वो बनेगा t1 t2 upon t1 plus t2. अभी पिछले उसमें देखा था, पिछले सवाल में. तो ये है 405 × 1620 और ये है 405 + 1620. तो ये आ जाता है 324 years, है ना? ये काट पीट के 324 आ जाता है. कैसे आया? इनफैक्ट ऐसे बोल सकते हो, ये आ गया 405 × 1620 अपॉन ये आ चुका है 405 × 5 आ चुका है. आप देख लो इसको, है ना, ये 4 × 405 लिखा हुआ. तो यहाँ से 405 से 405, तो ये आ जाएगा 324 years बन चुका है. तो अब 324 years बन गया. अब मुझे बोलता है कि 3/4 तो मर जाए, डिके हो जाए. 3/4 अगर डिके हो जाए तो बचेगा कितना? 1/4 बचेगा. और अगर 1/4 बचेगा तो अपन क्या बोलेंगे? 1/4 बचा, इसका मतलब ये बन चुका है 1/2 power 2, यानी कि 2 half-life गुजर चुकी हैं, 2 half-life हो चुकी है. तो इसका टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 2 × ½ life, यानी कि 324, तो ये आ जाएगा 648 years. 648 years हो चुके हैं, ठीक है? तो अपन बातें तो ऐसे कर रहे हैं, 648 years और ये सब, ये बहुत बड़ा स्केल हो चुका है ना? ये जो भी अपना ये रेडियो एक्टिविटी से एज की सैम्पलिंग की जाती है, उसमें एरर ही हो जाते हैं हजार हजार ईयर्स के. मतलब जब अपन फॉसिल की डेटिंग करते हैं ना इसकी मदद से, तो एकदम एक्यूरेट डेटा थोड़ी ना निकलता है. उसमें आएगा कि 1 लाख साल पहले का आ गया. अब 1 लाख साल में से हो सकता है 1000 ऊपर या 1000 नीचे भी हो जाए, लेकिन 1000 साल की बात हो रही है ना, इस बात का ध्यान रखना, 1000 साल की बात हो रही है. बहुत बड़ा टाइम रेफरेंस है हमारे लिए, लेकिन पत्थरों के लिए या फॉसिल के लिए इतना बड़ा नहीं है, ठीक है? अब अगला सवाल, इसमें बढ़िया मैथ्स यूज होगी. इसमें लिखे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए, रेडियो, हाँ जी नोट कर लो, कर लो, कर लो. ठीक है, जो लोग नोट नहीं कर रहे उनसे बात कर रहा हूँ. वो ट्रेन वाला वीडियो देखा क्या आप लोगों ने? कैसा लगा? कौन सा? नहीं देखा क्या वो जो कल मैंने बताया था? देखा ना, कैसा लगा? उसमें ना अगर आप लोग थोड़ा सा जो 12th वाले चैप्टर हैं, जिसमें कि ईएमआई वाला जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई, दो चैप्टर आते हैं अगले साल, यानी कि 12th में जब आगे. कौन सा वीडियो सर? कौन सा वीडियो? हाँ, अरे वो मेरे चैनल पे मैंने डाला है, ट्रेन एक कॉइल बना के, कॉपर कॉइल में अगर सेल को चलाया जाए तो सेल आगे बढ़ने लग जाते हैं. तो हाँ. वो हम समझते हैं कि भाई वो जो है वो मैग्लेव ट्रेन जो चलती है, मैग्नेटिक लेविएशन, तुमने सुना होगा ना कि वो 400 km/h 500 km/h वाली ट्रेन चलती है. तो एक्चुअली वो क्या करती है, लेविएट करती है. मतलब ये क्या होता है, पटरी अगर ऐसे है तो पटरी से ऊपर की तरफ होती है ट्रेन, थोड़ी सी है ना ऊपर होती है, हवा में होती है इनफैक्ट वो. तो वो उसका फंडा कैसे काम करता है उसके बारे में अपन ने बात करी थी, मेरे चैनल पर ही मैंने डाला है ना, मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब पर. मैग्लेव ट्रेन कहा जाता है, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन. तो नया मैटर डिस्कवर हुआ है. नया मैटर डिस्कवर हुआ है? कहाँ पर डिस्कवर हुआ भाई? क्या पता सर, गूगल पे आया था ना यार, मैटर डिस्कवर हुआ बोल के. एक्साइटोनियम. अच्छा ठीक है यार, हुआ होगा. मतलब एटम की बात कर रहे हो ना, नया एटम डिस्कवर हुआ है? नहीं, मैटर. मैटर क्या होता है जब मतलब एलिमेंट है सर, है ना, एटम एलिमेंट ही. तो एटम या एलिमेंट, अरे मेरे भाई
एलिमेंट ही होगा, मतलब जो तुम ये कह रहे हो ना मैटर डिस्कवर हुआ तो उसका कोई सेंस इतना बन नहीं रहा था, तो एलिमेंट होगा वो, ठीक है हो जाएगा यार। और वो क्या है ना, हायर एलिमेंट्स तो अपने रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि 100 प्लस चले जाएं या 90 के आसपास भी चले जाएं तो काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो वैसे भी उनका कोई प्रैक्टिकल यूज शायद बड़ा मुश्किल ही होता है, वैसा कोई मटेरियल बनाने में तो बड़ा मुश्किल ही होता है। तो वो ट्रेन वाला वीडियो देखना है ना, बढ़िया वो, उसमें काफी मैंने मतलब कोशिश करी है प्रैक्टिकल लगाने की। हाँ तो अपन वापस आते हैं इस पर कि अपन ने अगला सवाल लिखें, अगला सवाल लिखें, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए इज हैविंग, इज हैविंग active nuclei, is having active nuclei n naught at t equals to 0, active nuclei n naught at t equals to 0, n naught at t equals to 0, if it decays to, if it decays to another radioactive substance B, it decays to another radioactive substance B with decay constant lambda, with decay constant lambda 1, with decay constant lambda 1, and B, and B further decays into, B further decays into C, B further decays into C with decay constant lambda 2, with decay constant lambda 2, decay constant lambda 2, initially there are zero particles of B and C, zero particles of B and C, then find number of particles of A, B and C, then find number of particles of A, B and C at time t, at a time t, ठीक है। तो सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया कि यार शुरू में हमारे पास में इसके n नॉट थे, है ना, ये कब बात हो रही है, t इक्वल टू जीरो पर इसके थे जीरो और इसके थे जीरो। अभी क्या हुआ, कुछ समय गुजरा, कुछ समय के बाद में अपन ने t देखा तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ कम हो गए होंगे, मैंने मान लिया x, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ हो गए होंगे मैंने मान लिया y, और इसके भी कुछ हो गए होंगे मैंने मान लिया z। तो हमसे पूछा गया है बताइए x, y और z क्या होगा, तो x तो काफी आसान है, x कोई बताएगा, n not 1 minus e के पावर माइनस लैम्डा t, लैम्डा 1 t, 1 माइनस नहीं इतना, अरे ये तो वही हुआ ना कि इसके n not पार्टिकल थे, डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है तो वो टूटेगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये आ जाएगा x is equals to n not e पावर माइनस लैम्डा 1 t, आगे क्या हो रहा है उसको क्या मतलब है, उसको तो अपना काम करना है, तो x तो अपने पास बन गया, तो x का काम मैंने कर दिया, मतलब आधा काम तो आपका हो गया। अब जो है जो टफ वाली चीजें हैं y और z वो आप करेंगे और मैं बैठ के देखूंगा। सर बड़ा कौन सा है, लैम्डा 1 या लैम्डा 2, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर लैम्डा 1 छोटा भी हो गया तो जब तक बेचारा ये यहां से प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये डिके क्या करवाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि जीरो को डिके करवा देगा, लैम्डा 2 की वैल्यू ज्यादा भी हो गई इसका मतलब ये डिके ज्यादा करवा देगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जीरो को डिके करवा देगा, जब तक ये यहां नहीं पहुंचाएगा तब तक ये आगे नहीं पहुंचेगा, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का
वैसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपकी इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही बनेगी इररिस्पेक्टिव। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, डी वाई बाई डी टी लिखने की कोशिश करो। बोलो कुछ हुआ, डी वाई बाई टी क्या लिखें? डी वाई बाई डी टी माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन वाई। नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो लैम्डा वन ए माइनस लैम्डा टू बी, लैम्डा वन इनटू लैम्डा वन एक्स माइनस लैम्डा टू वाई माइनस लैम्डा टू वाई। अभी तुमने कुछ हद तक सही सोच लिया लेकिन लिखने में गलती कर दी। देखो क्या हुआ, प्लस 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 लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा वन, अब परफेक्ट हो चुका है। तो इनफैक्ट जिसको नहीं दिक्कत समझ में आया, देखिए कि यार y क्या था, ये नंबर ऑफ b था, तो ये चेंज कौन कर रहा है, एक तो इधर से ये आ रहे हैं और इधर से जा भी रहा है, तो आने वाला तो होगा वो तो इसके नंबर बढ़ाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, dy by dt की अगर बात करें तो आने वाला इसका नंबर बढ़ाएगा तो उसको प्लस के साथ लिखा जाएगा, और जाने वाला इसका नंबर कम करेगा तो उसको माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ डीके कॉन्स्टेंट है लामडा टू, तो जाने वाला तो होगा माइनस लामडा टू इंटू वाई माइनस लैम्डा टू इंटू वाई। और अगर आने वाले की बात करें तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर जिस रेट से यहां पर डी एक्स बाई डी टी होगा, जिस रेट से डी एक्स बाई डी टी होगा उसी रेट से तो यहां मरेगा वो, और जिस रेट से मरेगा उसी रेट से वाई के पास पहुंचेगा। फिर से बताता हूं कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स के मरने की रेट। तो x के मरने की रेट का मतलब दिखा रहा है x इतनी रेट से मर रहा है, और जितनी रेट से मरेगा उतनी रेट से y के पास पहुंचेगा। तो x कितनी रेट से मर रहा है, वो मर रहा था लैम्डा 1 इनटू x की रेट से मर रहा था, तो इसका मतलब इसके पास पहुंचने वाली रेट कितनी हो गई, लैम्डा 1 इनटू x हो गई। बात समझ में आती है? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। तो यहां से डी वाई बाई डी टी मेरे पास इधर बना, और मैं क्या करता हूं लैम्डा टू वाई को भी इधर ही रख लेता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा वन एक्स बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने पास वाई और वाई का डिफरेंशिएशन यहां पर एक ही इक्वेशन में है, तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनफैक्ट मैं क्या बोलता हूँ, डी टू वाई बाई डी टी, डी टू वाई और ये डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन, एक्स की वैल्यू अपने को मालूम है लैम्डा नॉट ई पावर माइनस लैम्डा वन टी। अभी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर एक चमत्कार करूंगा जो कि मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे आगे जाके, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन आपने सीखा है ना जो फिजिक्स में, वो बहुत छोटा सा है, मैथ्स में काफी बड़ा चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का, तो उसमें आप ये सीखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इधर जो है लैम्डा टू इंटू वाई है, यहाँ पर वाई है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इंटू मल्टीप्लीकेशन में दोनों साइड में ई पावर लैम्डा टू इंटू टी कर देता हूँ, मैं ई पावर लैम्डा टू इंटू टी कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा, अभी बताऊंगा मैं।
है ना। तो देखना ये अगर अंदर चला गया तो कितना आ गया, लैम्डा 2 इंटू वाई इंटू ई पावर लैम्डा 2 इंटू टी, और इधर कितना आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी टी इंटू ई पावर लैम्डा 2 इंटू वाई, लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 एन नॉट, इधर क्या लिखू बताओ, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब थोड़ा सा अपने को दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, मैं अगर लिखता हूं y इंटू ई पावर लैम्डा 2 इंटू टी, इसका टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन बताओ क्या लिखा जाएगा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जरा आप बताइए क्या लिखा जाएगा, क्या यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई, ऐसे कैसे पढ़ाऊं मैं, लगेगा तो इधर क्या लिखूं मैं, पहले तो y मिला तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी टी, और इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया यानी कि e पावर लैम्डा 2t प्लस, अब y को छोड़ो इसका डिफरेंशिएशन, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, लैम्डा 2t इनटू e पावर लैम्डा 2 इनटू t। तो अगर इससे ध्यान दो और इससे देखो तो ये सेम बना हुआ है, देख सकते हो y लैम्डा 2 e पावर लैम्डा 2t, y लैम्डा 2 e पावर लैम्डा 2t, यानी कि ये वाला और ये वाला मैच कर गया। फिर dy / dt इनटू e पावर लैम्डा 2 dy / dt इनटू e पावर लैम्डा 2 इनटू t, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो है इस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाया तो सीधा मैं यहां क्या लिखूंगा, वाई इंटू ई पावर लैम्डा 2 इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 एन नॉट, इधर क्या बना ई पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, समझे? Yes, फिर अब मेरे को y चाहिए था तो y के लिए मैं क्या बोलूंगा, y के लिए y is equals to इसको उधर नीचे ले जाते हैं ना, तो ये कितना आ गया लैम्डा 1 एन नॉट, लैम्डा 1 एन नॉट तो मैंने इधर लिखा, यहां देखो e पावर लैम्डा 2 इंटू टी है, यहां पर भी e पावर लैम्डा 2 इंटू टी है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, बचेगा e पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी अपॉन नीचे में आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब समझ में आया, देखो समझो, कहीं दर्द हो रहा हो तो बताओ। मतलब समझ में आया या दर्द हो रहा है? दोनों हो रहा है। देख लो कहाँ पे दर्द हो रहा है बता दो, अपन वही बात कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, अपन ने ये एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई किया था, इसका आइडिया अपने को तब आएगा जब अपन मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मैंने बताया तो ऐसा समझ लो कि देखो यहां पर e पावर लैम्डा 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसा फॉर्म बन चुका है कि वो परफेक्टली इंटीग्रेटेबल है, इस प्रकार से बन चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये बन चुका है ना। अब देखना इसमें लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी, अभी तक तो मैंने क्या बोला, लिमिट करनी पड़ेगी जीरो से लेकर टी तक, और इधर वाई की वैल्यू कितना है, जीरो से लेकर वाई तक। तो मैं क्या करूंगा, ये बन चुका है y माइनस जीरो इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये तो कांस्टेंट था मैंने साइड में रखा, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा e पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस प्रकार से बन चुका है हमारा फाइनल y। देख लो समझ लो, कहीं से कहीं तक कोई डाउट हो तो पूछो।
बोलो अब फाइनली बचता है कि जेड कैसे निकालें, फाइनली बचता है जेड कैसे निकाला जाए। तो एनीवन कोई सजेशन देना चाहेगा जेड के बारे में? टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो तो एन नॉट ही रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी देखो हमें पता है कि यार टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नॉट थे और किसी टाइम टी पर कितने हो गए एक्स प्लस वाई प्लस जेड होने चाहिए और वो एन नॉट रहने चाहिए। तो जेड इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एक्स प्लस वाई। अब मुझे एक्स भी पता लग चुका है, वाई भी पता लग चुका है, तो जेड हम अब निकाल सकते हैं। डन 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 है, ठीक है। अब ये होमवर्क में अपन ने कल क्या दिया था? न्यूक्लियर के ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू दिया था ना। तो आज क्या करेंगे, मैं आपको एक पीडीएफ अपलोड करूंगा, पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें आपको एक्सरसाइजेस दिखेंगी, है ना। एक्सरसाइजेस S1 दिखेगा, एक्सरसाइजेस S2 दिखेगा, एक्सरसाइजेस O1 दिखेगा, एक्सरसाइज O2 दिखेगा, इस प्रकार से कुछ कुछ दिखेगा। तो क्या करना, S1 के आप कर लीजिए 1 से 10 तक सवाल, एक्सरसाइज S1 के 1 से 10 तक सवाल मैं जो पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें आपको 1 से 10 तक सवाल करने हैं, ठीक है? हाँ सर। ओके